सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी लोग, आज मैं अपना फर्स्ट ब्लॉग बना रही हूँ, तो क्यों ना मैंने सोचा एक ब्लॉग बनाया जाए। और मैं आपको अपना परिचय दूंगी। मैं दीपा जोशी, उत्तराखंड जिला चंपावत ग्राम जौल सुकीढांग की रहने वाली हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा ब्लॉग हम भी बना लें, और आप लोगों को पसंद आएगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइबर कीजिए, अपना प्यार दीजिए हमें आगे बढ़ाने के लिए। और मैं आपको दिखाऊंगी एक छोटा सा खूबसूरत सा गांव है सुकीढांग श्यामलाताल, जो आपको पीछे दिख रहा होगा। लेकिन ऐसा होता है कि जो फर्स्ट ब्लॉग होता है, फर्स्ट ब्लॉग में थोड़ा कुछ भी चीज़ें हो, फर्स्ट चीज़ होता है तो झिझकपन, मतलब पहाड़ी में कहो तो झिझगिझाहट होती है, झिझकपन होता है। वो चीज़ें हमारे अंदर भी होती है, हर किसी के अंदर होती है, ऐसा नहीं कि हमारे अंदर ही होती है करके। इसीलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग मैं अपने घर से बना रही हूँ। और ये आप देख सकते हैं पीछे हमारा प्यारा सा एक छोटा सा गांव है सुकीढांग। आज मौसम की बात की जाए तो रिमझिमान बारिश लगी हुई है, हल्की हल्की बारिश लग रही है। और आज एक पहाड़ी, आपको मैं ये बताना चाहूँगी कि पहाड़ी एक त्यौहार होता है, जो हर चीज़, हर त्यौहार पहाड़ी रीति रिवाज में अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। तो इसमें आज हम कहते हैं कि गायों का त्यौहार, मतलब कथड़क्या। और आपको बताऊंगी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगी कि कथड़क्या क्यों बनाया जाता है, लेकिन मैं अभी ये बताती हूँ कि कथड़क्या होता है। और इसमें गायों को वैसे भरपेट तो घास डालते ही हैं, लेकिन ऐसा होता है कि भरपेट इस दिन गाय भूखी नहीं रहनी चाहिए। और एक ये पहले पुरानी कथा, पुरानी लोगों का कहना, बुजुर्ग लोगों का, पुराने लोगों का जो भी हैं, उनका कहना होता है कि ये कथड़का बनाना चाहिए। और इसमें बहुत से लोग अपने अपनी रीति रिवाज के हिसाब से बनाते हैं, तो छोटा सा हम भी बनाते हैं और आपको दिखाएंगे। इसको हम कहते हैं कि गायों का त्यौहार। और इसमें बहुत से अपने घर की लगी हुई, जैसे ककड़ी होती हैं, ये है, जो भी होता है खाते हैं। और इसमें आप लोगों को मैं बताऊंगी कि जैसे पहाड़ी, ये बरसात के टाइम के कुछ भी चीज़ें होती हैं तो उसको चढ़ाया जाता है, मंदिरों में देते हैं या फिर कथड़क्या में, तो उसके बाद उसको हम खा लेते हैं। जैसे कि पहाड़ में कहें तो पिड़ालू होते हैं, पिड़ालू को भी कथड़क्या में डालते हैं, थोड़ा हल्का वैसे देते हैं, मंदिरों को देते होंगे आज के दिन, तो उसके बाद उसको हम लोग भी आज से शुरुआत हो जाती हैं। और माना जाता है, जैसे जंगल में कहा जाता है, हमने भी सुना है और हम भी करते आ रहे हैं, कि जैसे जंगलों का घास होता है, जो पेड़ पौधों का घास होता है, वो आज के दिन से स्टार्ट हो जाता है गाय बच्चे को। नहीं तो जो भी है जैसा भी है, लेकिन गाय से रिलेटिव है आज का त्यौहार। आप सभी लोगों को कथड़का त्यौहार बहुत बहुत बधाई एवं मुबारक हो आप सभी लोगों को। आज मेरा फर्स्ट ब्लॉग है, थोड़ा झिझका वहाँ तो आता ही है, और मैं आपको ऐसे ही दिखाते रहूँगी पूरा अपना गांव, रीति रिवाज, अपने मेम्बरों से, सबसे जो भी है अपने फैमिली मेम्बर, आप सभी लोगों को मिलाऊंगी। एक हम पहाड़ से रिलेटिव हैं और पहाड़ में ही रहते हैं हम, और यहाँ से आपको दिखाते रहेंगे कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल यहाँ कहा जाए तो हर मौसम में फल होते हैं, हर मौसम में फल होते हैं पहाड़, पहाड़ का आनंद ही कुछ अलग है। तो मैं आपको दिखाऊँगी कि अभी जस्ट हमारे घर में, और ये हम छत से भी उठा सकते हैं, यहाँ पर माल लगे हुए हैं, ये इसको पहाड़ी में माल्टा बोलते हैं। और ये हमारे, मतलब पहाड़ में हर जगह होते हैं, लेकिन इसको अभी तैयार होने में, जो अगर अच्छे से पक जाए बोले तो उसको अभी लगेगा, एक महीना लगता है। और ये टूरिस्ट क्षेत्र भी है। आप सभी लोगों को मेरे ब्लॉग में स्वागत है आप सभी लोगों का, और अपना प्यार दीजिए, और हमें आगे बढ़ाने के लिए सब्सक्राइबर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो भी है जैसा भी है आप मुझे बताइए कि हमारा ब्लॉग कैसा लगा। और आप मुझे अपना प्यार दीजिए, और ज़रूर लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉग है, फर्स्ट ब्लॉग में जिस घबरावन तो आती है। और मैं आपको दिखाते रहूँगी, आपको डेली ब्लॉग देते रहूँगी। बाय बाय, प्रणाम।